सबसे बुलंद है वस्व तेरा, सबसे बुलंद सबका है मौला, सबसे बरतर है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अर्श वाले जल में तेरे सबसे बेशक आलम में रोशन तुझसे उजाला है हम्द तेरी हर एक लब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सबसे मुकद्दस है नाम तेरा, ले नाम देना सब काम तेरा, पालन साई से माम तेरा है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब सब है आनी वो जाने, हर शह नाकिस हर शह फानी, तेरा है कोई हम सर नसानी है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिन्नों मलक सब बंदे हैं ठहरे, तब सब मोहताज तेरे, तू ही समद है मौला है मेरा है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसको दिया है तूने दिया है, जिससे लिया है तूने लिया है, अब से मैं तेरे अफ़ज़ल व अता है, है हम्द तेरी हर एक लब पर। अल्लाहु अकबर, 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 अल्लाहु अकबर। पुकार दिल से सिर्फ एक बार, अपने रब को तू पुकार, दिल से सिर्फ एक बार, दिल से सिर्फ एक बार, बस तू सबके साथ रहेगी, हर एक से जुदा रहे तू किस तरह से उसका बन, तू किस तरह से उसका बन, कि तू रहे खुदा रहे। Yes, yes, yes.
अपने रब को तू पुकार, दिल से सिर्फ एक बार, ये जानो तन ये मन ये धन चमन दमन जमी चमन, ये पर्वतों पहाड़ों फूलों पर शजर समर ये दर्शन बन, उसी की जात पात के उसी की जात पात के है हुक्म से ये अंजुमन, पुकार दिल से सिर्फ एक बार, अपने रब तू पुकार दिल से सिर्फ जिस बीमार है तो दवा उसका इलाज है, जिस बेसदर है तो लिबास उसका सदर है, इसी तरह अगर रूह कमजोर है तो जिक्र उसकी फिजा है, रूह बीमार है तो याद रखना उसका इलाज है, और रूह बेलिबास है तो मोहब्बत इलाही उसका लिबास है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाहि ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालों अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो, हर हाल में जिक्र की तलकीन में रब ने फरमाई, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم, वो बंदे जो रहमत खुदावंदी के हकीकी मुस्तहिक है, कौन बंदे हैं कि खड़े बैठे लेटे अल्लाह को याद किया करते हैं, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما, कसरत से जिक्र करने वाले मर्द और कसरत से जिक्र करने वाली औरतों को अल्लाह ताला ने अजर अजीम खुशखबरी सुनाया है, वो अंदाजा वो अजर वो अल्लाह अपने शान के मुताबिक बंदों को अता करेगा, अल्लाह करे कि हम ईमान वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, के ईमान वाले तो वही लोग हैं जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाता है उसकी बड़ाई के तसव्वुर से उनके दिल लरज जाते हैं, जब उन पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं तो उनके ईमान को बढ़ाती है और वो अपने अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं, जिक्र इलाही की मजालिस जिक्र में शरीक होने से ईमान के ईमान में ताज़ी है, हलावत हरारत पैदा होती है, बल्कि अल्लाह के नाम की अज़मत और अज़मियत के जरिए से उनके ईमान में इजाफा होता है, अल्लाह करे कि मैं भी इन मुबारक मजालिस में शरीक होकर अपने ईमान को बढ़ाने की अल्लाह ताला तौफीक दे, दुनिया से न दौलत से न घर आबाद करने से तसल्ली दी को मिलती है, खुदा का कैसे जान जाए, जिसने बनाए शम्स कमर जगमग तारे वो अल्लाह, जिसने नबी पर कुरान के नाज़िल इरशाद फरमाता है, الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بلا بذكر الله تطمئن القلوب, पहले ईमान के दिल जिक्र खुदावंती से मुतमईन होते हैं, खूब जान लेना चाहिए कि अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को इत्मीनान और सुकून नसीब होता है, आज दुनिया में बेशुमार लोग बेसुकूनी बेचैनी बेबसी बेइत्मीनानी के मुहलिक मर्ज में मुब्तला है, इस मर्ज का एक ही इलाज है वो है जिक्र, इस बीमारी के लिए जो तबीब आज़म का तशख़ीस करता आसान और बेहद अज़ीज़ नुस्खा आया है वो उसके दिल की बीमारी का एक वाहिद इलाज है, वो अल्लाह के नाम की बरकत है, दिल से सिर्फ चीज़ों के जरिए से जब आलूद होता है, दो चीज़ों के जरिए से हमारा दिल आलूदा और गंदा हो जाता है, सबसे पहली चीज गफलत और दूसरी चीज गुनाह, और दो चीज़ों से ही साफ और शफाफ और रोशन मुनव्वर होता है, एक अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फार
اللہ سے اور دوسرے ذکر الہی سے، کیونکہ جب کوئی شخص ذکر الہی سے غفلت برتنے لگتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے دل پر غفلت کی تہ جمنے لگ جاتی ہے اور آگے چل کر یہ سیاہی رنگ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ اس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت رہتی ہے اور نہ ہی باطل کو برا ماننے کی سمجھ باقی رہتی ہے۔ جب دل کی یہ کیفیت ہو جائے تو سب سے بڑی آفت یہ ہے، ارشاد جاری ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْطًا۔ اس شخص کی پیر میں ہمت کر جس کا دل ذکر الہی سے کافی ہو چکا ہے، وہ خواہشات کا بندہ بن گیا ہے اور اس کے تمام کام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور وہ غفلت بھری زندگی گزارتا ہے، تو اللہ اسے لوگوں کی محبت میں صحبت میں بیٹھنے سے منع کرتا ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں اور جن کے دل کے دل اللہ کے نام سے بیزار ہیں۔ ایسے لوگوں کی قربت اور صحبت ہمارے ایمان کو برباد کرتی ہے، اس لیے پھر رب نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ڈرتے وہ ہیں جو ایمان والے ہیں، ایمان والے جو ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، ایمان ہے تو خوف خدا ہے، خوف خدا ایمان کو برقرار رکھتا ہے، جس دل سے خوف خدا نکل جاتا ہے اس دل سے ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان اور خوف کے حالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، نیکوں کے ساتھ رہو، صدیقین کے ساتھ رہو، صالحین کے ساتھ رہو، متقی پرہیزگار اور اللہ کے ذکر میں مشغول اور اللہ کی یاد اور اللہ کی معرفت اور محبت میں عشق میں ڈوب کر زندگی گزارو، جوانوں کی قربت اختیار کرو، صحبت صالح قرآن صالح دل صحبت صالح دل طالح قرآن جو اچھے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے اس کو صحبت اچھا بنا دیتی ہے، جو برے لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے یعنی وہ برائی اس کے اندر اثر کر دیتی ہے۔ ایک زمانہ صحبت باہمیا بہتر اثر زیادہ تعلیمیا، اللہ والوں کی صحبت میں کچھ لمحے بیٹھ جانا 100 سال کی بیریا عبادت سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یعنی مجالس کا اپنے رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے گھر بلایا، اپنے در بلایا، پھر اس کے بعد اپنے نام اور اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمایا، اور اسی لیے ہمارے دل اللہ کی یاد میں مست بیٹھ رہے ہیں اور اللہ کی یاد میں مگر ہیں اور اس کے عشق میں ڈوب کر ہم کہتے ہیں، اس کے بارگاہ میں توبہ بھی کرتے ہیں، استغفار بھی کرتے ہیں، اس کی رحمت کے طلبگار بن کر بے ساختہ اپنی خطاؤں پر ندامت اور شرمندگی کا اظہار کر کے کہتے ہیں رہ گیا دن رات غفلتوں میں یوں ہی نہ بس زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں عمر ساری، بہت دنوں میں سرگشی کی سر جھکاتا ہوں مولا، میں سر جھکاتا ہوں مولا، ہر ایک گل اور شکوفتہ ہر کلی پائے مدینے کے گلستاں میں بہار زندگی پائے محمد مصطفیٰ کی دار، بشوں کا فیض کیا کہنا، محمد مصطفیٰ کی دار، بشوں کا فیض کیا کہنا، نکاحوں نے اجالا میں روشنی پائی،
हमने उजाला और दिल में रोशनी पाई मदीने के इस सामने बहारे जिंदगी पाई पुलिस सामने हमारे जब मदीने से شکل لے آتے ہیں ہمارے مدینے کے پولیس نامے بہارے زندگی پائی ابو بکر و عمر کی شان اکتائی کا کیا کہنا یہ وہ تارے ہیں جن سے دین نے مدینے کے پولیس تانے بہارے زندگی پائی ہوا جس بزم میں بھی تذکرہ عثمان و حیدر کا ہوا جس بزم میں بھی تذکرہ عثمان و تازگی پائے مدینے کے پولیس تابے بہارے زندگی پائے یہ اشعار جو لکھنے والے نامین اشعار ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ذکر ہی کیا ہم تو نابینا ہمارا ذکر ہی کیا ہم تو نابینا ہے کشفی نظر والوں میں بھی ہم نے بصیرت کی کمی پائی بصارت کہتے ہیں سر کی آنکھوں کو بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھوں کو افسوس سے کہتا ہے نظر والوں نے بھی ہم نے بصیرت کی کمی وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله گواہی دیتا ہوں میں کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی عبادت کیے جانے کے قابل نہیں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ
और गवाही देता हूँ कि हमारे सरदार, हमारे सरदार, हमारे आका और हमारे आका मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ईमान लाया मैं अल्लाह ताला पर जैसा के वो है अपनी जात में और अपनी सिफात में और अपनी सिफात में है कि मैंने अब्दुल मुक्तदिर के हाथों पर सिलसिले चिश्तियां साबरिया में और सिलसिले चिश्तियां निजामिया में और सिलसिले आदरिया में आपने ऐलान फरमाया कि तेरे महबूब अपनी उम्मत से बता देना तेरे रब की रहमत की न इब्तिदा है न इंतहा है हे अल्लाह। आपने कहा जिसे गुनाह जमीन से आसमान की बुलंदी तक हो मशरिक और मगरिब और शुमाल और जुनूब तक जिसके गुनाह फैले हुए हो
आपने फरमाया मेरे महबूब आपके उम्मत की एक बंदा ही एक बंदे अगर इतने गुनाह करे फिर उसके बाद पकड़ कर मेरे जनाब में हाथ उठाकर तौबा करे मैं जमीन से आसमान की बुलंदी तक के सारे गुनाह को माफ कर दूंगा। ऐ अल्लाह आज अपना वादा पूरा कीजिए। ऐ अल्लाह ये सारे के सरमर्द खवातीन बूढ़े बच्चे हैं अल्लाह आपकी बारगाह में हाथ उठाए हुए हैं। ऐ अल्लाह आपसे आपकी तलब पे बैठे हुए हैं। ऐ अल्लाह हमें पता है कि आप हमसे रूठे हुए हैं, आप हमें माफ ना करें लेकिन फिर भी हमें ना देगा अपने महबूब की सदक़े में हमारी तौबा को कबूल फरमाइए। आप बड़े माफ करने वाले हैं, आप अरहमुर रहीमीन हैं। अल्लाह आपकी रहमत की ना इब्तिदा है ना इंतहा है। आप तो खारून जो जमीन में धसे जा रहा था और कह रहा था कि मूसा मुझे बचा ले, मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि ऐ जमीन निकल जा, ऐ जमीन निकल जा, वो माफी चाहता रहा लेकिन मूसा जलाल और गज़ब में थे, जमीन यहाँ तक कि पूरा निकल ली। आपकी रहमत खुदावंदी जोश में आई, आपने मूसा से कलाम करके कहा कि ऐ मूसा इतनी मर्तबा कानून तुझसे माफी चाहता रहा फिर भी तूने किया, एक मर्तबा भी तुझे उस पर रहता आया, अरे इससे तो जलाल की कसम अगर तेरी जगह अगर मुझे पुकार देता मैं उसे जमीन से बाहर निकाल लेता। तू तो कारों को माफ करने के लिए तैयार है। ऐ अल्लाह हम भी गुनाहों के समंदर में धसे जा रहे हैं, गुनाहों की नौ से हमें झगड़ी हुई है। ऐ अल्लाह हमारी खताओं को माफ फरमाइए, हमारी लफ्जों को माफ फरमाइए, हमारी गलतियों को माफ फरमाइए। दिल के उजाले में रात के अंधेरे में ऐ अल्लाह हमने जो गुनाह किए ऐ अल्लाह आप उस पर पर्दे डालते रहे, आप उन गुनाहों के पर्दा पोशे और आप मोहम्मद ने आपके दर पर यहाँ लाया है। हमारे दिलों के अंधेरों को मुनव्वर कर दीजिए। ऐ अल्लाह सारा मजमा आज आपको मनवाने के लिए आया है। ऐ अल्लाह रूठे हुए हमारी लफ्जों को माफ फरमाइए, हमारी कोताहियों को माफ फरमाइए, हमारे सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ फरमाइए। ऐ अल्लाह इतने सारे मजमे में जो बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला अजर नसीब फरमाइए, जो परेशान हाल हैं उन्हें परेशानी को दूर फरमाइए, जो मुसीबत ज़दा हैं उनके मुसीबत को दूर फरमाइए। ऐ अल्लाह जो बेरोजगार है उन्हें रोजगारी अता फरमाइए, कितने ऐसे नौजवान हैं जो अपने मुल्क को छोड़कर ऐ अल्लाह अमेरिका लंदन कनाडा जाने के ऐ अल्लाह कोशिश में लगे होते हैं, ऐ अल्लाह उनकी इन कोशिशों को कामयाब फरमाइए। अगर उनके मुखद्दर में रिश्ता लिखा हुआ है ऐ अल्लाह सारी रुकावटों को दूर फरमाइए। आज मजमे में जितने बैठे हुए लोग हैं जितने